बहुत ज्यादा चाय पीता है और मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या ये एक दिन बिना चाय के सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यार ये तो क्या है, ये तो गलत हो रहा है। बंदर की नजर ना तेरे पे, ये कब जैसे तेरा कटा हुआ ये तरबूज लेके चला। ओह माय गॉड, कोशिश इसकी नाकामयाब हो रही है बार बार। भाई ये वाला बंदर ना अभी यहाँ मेरी खिड़की के पास आया हुआ था। हल्का इतना तूफान आया, देखो जरा खिड़की कितनी बाहर गंदी हो रखी है एकदम। चलो बंदर तो देख कहाँ गया भाई। हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गाइस पहले तो बड़ा मन सा था मेरा, मेरे भाई दोनों का मन था कि यार आज हम ना मतलब इंडिपेंडेंस डे के लिए मतलब मॉल रोड पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन आज हम कहीं नहीं जा सकते एंड रीज़न ये है कि भाई हमारे यहाँ पे एक्चुअली जिधर हम रहते हैं ना, इधर हुआ है भयंकर लैंडस्लाइड। एक मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुआ है और यार काफ़ी सारे लोग मतलब उस लैंडस्लाइड में दब गए हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो रखी है अभी यहाँ हमारे एरिया की कि बाहर जाने में भी डर लग रहा है। जो तो मेन रास्ता था जहाँ से मतलब यार तो जाते ही थे गाड़ी लेके, वो तो खैर बंद ही है क्योंकि लैंडस्लाइड मेन वहीं से हुआ है। बाकी एक रास्ता खुला है लेकिन फिर भी हमको ना सेफ नहीं लग रहा, कि ऐसा लग रहा है कि यार बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आजकल शिमला में हर जगह ऑलमोस्ट मतलब शिमला के पता नहीं कितने सारे एरिया है जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो रिस्की लग रहा था। तो इसलिए आज हम बाहर नहीं जा रहे, नहीं तो पहले तो सोचा था हमने कि हम जाएंगे यार, हम ज़रूर देखेंगे। हमने कभी नहीं देखा शिमला पे, शिमला में मतलब इतने सालों से रह रहे हैं लेकिन हमने कभी भी मतलब इंडिपेंडेंस डे के लिए मतलब हम कभी मॉल रोड नहीं गए। वहाँ पे परेड होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन इस बार हमने सोचा नहीं जाएंगे भाई हम। और काफ़ी वैसे देखा जाए दुख की बात भी है यार, क्योंकि इतने सारे लोग दबे हैं, अभी भी रेस्क्यू टीम वहाँ पे लगी हुई है, उनको निकाल रही है। Seconds later. भाई सबसे पहले मैंने ना अपनी खिड़कियां ही चमका दी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गंदी लग रही थी। हाँ थक गई मैं यार, बट खिड़की तो बढ़िया लग रही है। ब्रेकफास्ट पे बनने वाला है आज पोहा। भाई बड़े दिन से लेकर मेरा पोहा खाने का मन था। ये मैंने इसको भिगोने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से भीग चुका है, काफी देर होगी इसको, फटाफट से इसमें तड़का मारते हैं। भाई अभी हो रहा है लंच का टाइम और मैं तुम्हें बताऊं लंच का टाइम मतलब खाना खाने के बजाय मैं क्या बना रही हूँ अभी, फिर से चाय। ये मेरे भाई के लिए मतलब शायद से दूसरी चाय बन रही है अभी ना। आज मैं बताना चाहती हूँ कि भाई मेरा भाई दिन में कितनी चाय पीता है, देखना ये दूसरी चाय है मेरे। जितना मेरे को अंदाजा शायद 4 से 5 बार ये चाय बनवाता है मुझसे पूरे दिन भर में। तो अब देखते हैं आज कितनी चाय बनाता है। थोड़ा धीरे बोलती नहीं तो सोचेगा कि मैं कैमरा में बता रही है सारी चीज़ें। मुझे लग रहा था ना यार लास्ट वीडियो में जो मैंने कमेंट पढ़ा था ना वो वाला, कि मतलब मुझे इसके साथ ऐसा कमेंट करना चाहिए जिसमें पूरे दिन भर मैं इसको चाय ना दूँ। मुझे लगता है वैसा चैलेंज करने का टाइम आ गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय पीता है और मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या ये एक दिन बिना चाय के सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाएगा, बट यू नेवर नो, क्या पता कर जाए। मच 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 लेटर। हमको हमारी काजू दिख गई है, वेट कर रही होगी ये भी कब जैसे ये लोग आएंगे और हमको कुछ खिलाएंगे। भाई हम लोग इवनिंग वॉक के लिए निकले हुए हैं। अरे वॉक नहीं हो रही है, वॉक मैं कर रही हूँ, मेरे भाई तो दौड़ रहा है। उफ कोई इवनिंग वॉक नहीं करनी आती, ये जितना मैं चलती हूँ ना उतना हिसाब से तो फटाफट दौड़ के चल जाता। देखो ये देखो हम दोनों साथ वॉक करते हैं, कहाँ पहुँच गए आगे। फिलहाल अभी यहाँ मौसम एकदम सही है यार, आज शुक्र है बारिश नहीं हुई यहाँ पे। भाई ये रास्ता देख रहे हो कैसा, यहाँ से आधा रोड गिरा हुआ नीचे। एक बार ही तूने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी, उस टाइम मैंने ऐसे ही बोला था इसको कि ये रास्ता गिर सकता है और ये भी गिर चुका है। गाड़ी के पीछे मुझे बंदर दिख रहा है, रुक तो। बंदर ही। वॉकिंग कम है तो ट्रैकिंग ज़्यादा हो गई। थक गए यार, मैं तो ट्रैकिंग कर रही हूँ, मेरा भाई तो रनिंग कर रहा है ऐसा लग रहा है। कैसे बैठा हुआ है? हाय। बंदर की नज़र कैसी थी? चोरी छुपे। देख देख अभी भी आएगा। नहीं अब तो भाग गया यार, वहाँ से आ रहा है। अंदर गया, नज़र उसकी सब्जी पे आया, चला गया बुढ़। हेलो चला गया, यार ये चल के आ रहा था अभी, दो टांगों पे चल के आ रहा था। मेरे को लग रहा है ये अटैक करके छोड़ गए वाला बंदर ना, काफी देर से लगा देख रहा है ये। वाह सब्जी लेने आए और काट के लेके जा रहा है। अच्छा यहीं से काट के लेके जाएगा नीचे से पकानी। नाइस। बंदर की नजर ना तेरे पे, ये कब जैसे तेरा कटा हुआ ये तरबूज लेके जा।
अंकल फोन पे है ना, उनको सुनाई नहीं दे रही, तू ये मांग रहा कब से अंकल से कि उसको काटनी है। अंकल ये पकड़ा रहे, ये दे दो अंकल, एक गेंद दे दो, बार्गी में तो नहीं हो सकती ना, दोनों दे अंकल दोनों, काट के लेके जा रहा है ये, डायरेक्ट नीचे कुकिंग करेगा। घर पे छुरी नहीं है, क्या करें, यही से जुगाड़ करके लेना पड़ रहा है, ये गाय के लिए देना ना, इसलिए ऐसे काट के लेके जा रहे हैं। बंदर कहीं से तो मिलेगा मुझे आगे, कुछ आगे, तो। आगे, 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 ओ भाई। कोशिश इसकी नाकामयाब हो रही है बार बार। गाय का ना तू ये वाली ना डाल दू कहीं मैं गलती से, फिर हमको कटी सब्जियां, कटी हुई सब्जियां हमको खानी पड़ेगी फिर। कद्दू तो मैं खाती नहीं यार। भाई यहाँ छोड़ के गए थे हम उन दोनों को, अब दोनों के दोनों यहाँ नहीं है, अब हमको पता ही नहीं है कि वो नीचे गई है कि इस साइड तो नहीं चली गई। हमको लगता है बैक आना पड़ेगा, उनको ढूंढते ढूंढते कहाँ ढूंढेंगे वो उनको। यहाँ नीचे वाले रास्ते में भी जाती हूँ कई बार। हितू की इंट्यूशन कितनी बढ़िया है, वो सामने है गए, और मैं तो इसको नीचे लेके जाती कि नीचे चली गई। ये बोल रहा है कि मेरे को भी दे कुछ, पर ये खाएगा, इसको दे देना पहले, इसको भी कुछ दे देंगे खरीद के शॉप से, यहाँ से दे देंगे कुछ खरीद के। ये कहाँ खाएगा यार डॉगी, इन्होंने बहुत सही तरीके से अंदर अंदर का खा लिया, बाहर का रह गया। ऐसे ही खाते हैं भाई, बाहर का सर्विस कितना हार्ड, बाहर का शायद बाद में खाएगी, बाहर का शायद बाद में खाएगी, इनको बीज बहुत पसंद है। इसको भी दिला दे, भैया जी हमको भी भूख लग रही है, कुछ खाना खिला दीजिए, बिस्कुट खिला दीजिए हमारे दुकान से, मेरा गला बहुत सूख रहा है। ए डॉगी की पार्टी होगी, डॉगी के लिए ब्रेड आ गई है, ये ले तू अपने हाथ से खिला। तो अब इनको ब्रेड भी खानी है, थोड़ी सी ब्रेड दे दे, बाकी डॉगी के लिए लाइए मैंने ब्रेड, थोड़ा थोड़ा दे दे तू, थोड़ा थोड़ा बाकी डॉगी के लिए। जाने नहीं दे रही भाई, इनका पता नहीं क्या लॉजिक है, जब तक तेरे पास सारा खत्म नहीं हो तब तक जाने। अरे अरे नहीं 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 नहीं, फिर वापस आ गए यार, तू क्या है ये तो गलत हो रहा है यार, खिला के तो देख तू उसको, हाथ 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 से नहीं, हाथ से नहीं, तू साइड में रख दे वहाँ पे भाई, अब फिनिश हो गया। ओए तू भग भग भग, फिर आ गई पीछे, तेरे पीछे आ गई, पता है मैंने अपने हाथ में सब्जी पकड़ी इसलिए वापस आ गई। अब यार ये नहीं दे सकते ना, घर की है, अब कितनी स्पीड से आ रही है यार, कितनी स्पीड से आ रही, चल 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 भग भग भग। उतनी स्पीड से आती नहीं, अब इनको पता लग गया, चले गए, बाय बाय। भाई अभी हम वॉक करके घर आ गए, सोचा तो था हमने कि यार जहाँ पे वो लैंडस्लाइड हुआ था ना घर के, थोड़ा दूर है वो ना, मतलब इतना पास भी नहीं, थोड़ा दूर ही है, हमने सोचा था कि वहां तक जाएंगे, लेकिन हमको ना रिस्की लग रहा था कि यार पता नहीं कि मतलब कितना हुआ होगा और उसके आसपास भी सेफ है कि नहीं, तो इसलिए हम नहीं गए, हम थोड़ा ही वॉक किया और हम मतलब घूम के फिर सब्जी वगैरह लेके, गाय को सब्जी वगैरह खिला के फिर हम घर वापस आ गए। और देखो घर आते ही बंदे की फरमाइश की आती कि मेरे लिए चाय बना दे, मैं आज सुबह से लेकर काउंट कर रही हूँ, दो तीन बार पिला चुकी हूँ मैं इसको, एक बार तो मैं रिकॉर्ड नहीं की थी, चौथी बार है, चौथी बार कि ये चाय मांग रहा है मेरे से। मैं कहा चलो इसके लिए फटाफट से चाय बना लेते, साथ में मैंने बोला था ना कि आज मैं बताऊंगी कितनी बार ये भाई चाय पिएगा पूरे दिन भर में, तो ये चौथी बार है। अब मेरे ख्याल से शायद डिनर के बाद भी कभी इसका मूड कर रहा था तो पांच बार होगा, मतलब दिन का पांच बार लेके चलो, चार से पांच बार कॉमन है मेरे भाई के लिए चाय पीना, अब तो लगता है इसके साथ वो चैलेंज करना ही पड़ेगा। तो चलिए भाई आज के फटाफट से कॉमेंट्स पढ़ लेती हूँ। पहला कॉमेंट जो मैंने पिक किया है वो है प्रीति जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है दीदी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे आपके व्लॉग्स बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, और स्मार्टी भैया को मेरी तरफ से बिग फैन बोल देना और मेरा कमेंट प्लीज ले लो, प्लीज प्लीज। देखिए प्रीति जी मैंने आपका कमेंट ले लिया, मैं स्मार्टी भैया को जरूर बोल दूंगी कि आप उनके बहुत बड़े फैन हो। बाय द वे थैंक यू फॉर द लवली कमेंट। और जो सेकंड कमेंट पिक किया मैंने वो है राखी जी की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कि वर्कआउट प्लस व्लॉग स्टार्ट करना इज इक्वल टू परमारा है। अच्छा आई गेस आप परंपरा लिखना चाहते हो, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, सही बात है, एकदम सही बात है। आई होप यू विल टेक माई कॉमेंट, यू आर सो क्यूट, हमार्टी भैया इज डूइंग नाइस एक्टिंग। हमार्टी भैया तो भाई बहुत ही अच्छे एक्टर है, क्या ही बता सकते हैं, स्मार्टी भैया नहीं हमार्टी भैया। बाय द वे थैंक यू सो मच राखी जी। और जो आज का लास्ट कॉमेंट मैंने पिक किया है वो है, नाम पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है मुझे, दो मिनट। शुरिकेन गेमर भाई, आई गेस मेरा आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है, पता नहीं यार, अगर नहीं किया होगा तो माफी देना। तो इन्होंने क्या कमेंट किया है कि दीदी प्लीज बी सेव इन फैमिली बिकॉज देयर इज सो मच रेन इन द शिमला, आई सॉ न्यूज, दीदी आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू बी सेफ विद योर ब्रदर एंड फैमिली, टेक केयर। वैसे एकदम सही बात की है, शिमला में भी जहाँ पे आप लोग न्यूज सुन रहे हैं ना वो हमारे घर के इलाके के आसपास ही हुआ है ये लैंडस्लाइड वगैरह, जहाँ ज्यादा हुआ है, मतलब शिमला में और जगह भी हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि यहीं हुआ है, लेकिन हमारे इलाके के आसपास थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो
हम बिल्कुल यार, लेकिन जहाँ हम रहते हैं ना वो थोड़ा सेफ है, मतलब हमारे आसपास थोड़ा हुआ है, लेकिन हमारे घर के पास तो हमें तो सेफ लगता है यार, बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच इतनी केयर दिखाने के लिए यार, थैंक यू सो मच। हम लोग भी बहुत ज़्यादा अलर्ट है, और हम घर से बाहर सिर्फ ऐसे थोड़ा बहुत घूमने गए थे घर के पास तक, उससे ज़्यादा अरे परे हम नहीं गए, क्योंकि ज़्यादा रिस्की एक तरफ से, हमें ज़्यादा घर से बाहर अभी इस वक्त नहीं जाना है। तो यही थे आज के 3 कमेंट्स। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही भर भर के कमेंट्स कीजिए, मैं मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना पसंद है ऑलवेज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।